अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर गुलबर्गा में यादगीर रायचूर और ज़िले गुलबर्गा के जो आज़मीन हज हैं मुसलसिल 25 सालों से मरकज़ी तरबियती हज कैंप ज़िले गुलबर्गा की जानिब से तमाम आज़मीन हज को तरबियत 25 सालों से दी जा रही है। इस मौके पर जनाब अलहाज ज़ैनुद्दीन सिडनी फरोज़ साहब मरहूम जिन्होंने इसका आगाज़ किया था इस तरबियती कैंप का, आज पूरे इसके 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं और उनके तमाम साथी भी मुसलसिल उनके बाद भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर गुलबर्गा में यादगीर रायचूर और ज़िले गुलबर्गा के जो आज़मीन हज हैं मुसलसिल 25 सालों से मरकज़ी तरबियती हज कैंप ज़िले गुलबर्गा की जानिब से तमाम आज़मीन हज को तरबियत 25 सालों से दी जा रही है। इस मौके पर जनाब अलहाज ज़ैनुद्दीन सिडनी फरोज़ साहब मरहूम जिन्होंने इसका आगाज़ किया था इस तरबियत कैंप का, आज पूरे इसके 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं और उनके तमाम साथी भी मुसलसिल उनके बाद भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर
हमने जो बेंगलुरु से जो मुसलसिल 27 साल से जो हज तरबती कैंप पे ट्रेनर के हिस्से से के एस ऑफिसर सैयद एजाज अहमद साहब जो मुसलसिल एक अपनी महारत रखते हैं तरबियत में और बिल्कुल आसान जबान में उस सबको समझाते हैं हाजियों को, और जो भी मुश्किल सवालात रहते हैं, जो भी गलत फहमियाँ रहते हैं, बिल्कुल अच्छे अंदाज में उनको समझाते हैं। उनको भी हमने शाल पोशी, गुल पोशी और एक सनद एजाज उनकी खिदमत में हमने पेश किया। साथ ही साथ उनके जो भाई हैं सैयद रियाज अहमद साहब जो, वो भी मुसलसिल उनके साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हमने सनद एजाज पेश किया। और इसके अलावा जो मरकज़ी हज तरबती कैंप है मज़र हुसैन साहब के, उसके जो सदर हैं उनको और उनके भाई जफर हुसैन साहब, अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब और जाकिर हुसैन साहब, अशफाक अहमद चुलबुल साहब और मोहतरमा शकीला बेगम साहिबा, अहमदी बेगम साहिबा, हसीना बेगम साहिबा, और उसके अलावा गुलबर्गे में जो हुज्जाज इकराम की जो एप्लीकेशंस हैं लेना और उसको पूर कर भेजना, फिर जो किस तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, पासपोर्ट किस तरीके से भेजा जाता है, ये तमाम चीज़ों की सहूलियत जो फराहम कर रहे हैं मुसलसिल 30 सालों से मोहतरम जनाब मौलाना याहिया साहब और मोहतरम मौलाना रज़ीउद्दीन साहब और मोहम्मद मोहीउद्दीन साहब और उनके दोस्त इकबाल साहब, उनको भी हमने यहाँ पर हमारी सीरतुलनबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से उनको हमने शाल पोशी गुल पोशी पेश की, जिसमें हमारे साथी जनाब इंजीनियर मोहम्मद अजीज़ुद्दीन अहमद साहब, इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब और इंजीनियर तजम्मुल हुसैन साहब, इन तमाम जो प्रोग्राम थे उसमें हमारा साथ दिया, उनका सबका भी, और ख़ास कर आज मैंने हज का मैं इस मुकद्दस जलसे में हमको ये मौका इनायत फराम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 25 साल का सिल्वर जुबली हाजियों की जो तरबियत का प्रोग्राम था, ये 25 साल मुकम्मल हुए और यहाँ पर सीमन में स्टडी एंड रिसर्च सेंटर जो गुलबर्गे की जो इसके सदर जो है, तो ये अपने रिसर्च सेंटर की जानिब से और अपने ऑफिस बेयरर जो ऊपर है उनकी जानिब से यहाँ पर खिदमत करने वालों को इन्होंने का प्रोग्राम नहीं दिया था। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इन्होंने इस किस्म का प्रोग्राम रखा है और जो यहाँ पर जो खिदमत किए हैं 25 साल से जो खिदमत किए हैं और बिलखसूस जो पे जो ट्रेनिंग मुनद होती है जो मज़हर भाई और उनके साथी हैं उनके जानिब से मैं सदर असगर चुलबुल साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन तमाम लोगों की सर्विसेज को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। अल्लाह ताला उनके काविशों में और अगले आगे चलकर उनके जितने भी विजन्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में मरकज़ी हज तरबियती काम का इनेकाद किया गया। इस साल का हज तरबियती काम अल्लाह के फजल से गुलबर्गा में 25वां सालाना हज तरबियती कैंप है। ये एक सिल्वर जुबली कैंप रखा गया था। इस मौके पे हमें जब ये इत्तला मिली तो हमने ये मुनासिब समझा कि ये हज तरबियती कैंप जो 25 साल से मुसलसिल मज़हर साहब और उनके साथी और जैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश और जब्बार भाई की जानिब से यहाँ पे मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें और कई लोग भी साथ दे रहे हैं और कामयाबी से यहाँ पे हज तरबियती कैंप मुनक़िद कर रहे हैं। हमने इस मौके पे सीरतुलनबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका और मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के अहतमाम से यहाँ पे इन तमाम लोगों की खिदमत में जो है ना तहनीत पेश करने की सआदत हासिल की है और उन्हें हम एक मोमेंटो के ज़रिए एजाज़ भी दिए हैं। तो मैं इस मौके पे तमाम मरकज़ी हज तरबियती कैंप के ज़िम्मेदारों को अहदेदारों को जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कामयाबी के साथ गुलबर्गा में ज़िला बीदर और जो है ना यादगीर गुलबर्गे के आज़मी ने हज की खिदमत की है और उन्हें तरबियत दी है। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 25 साल से आज़मीन हज के लिए जो हज के जाते हैं उसके लिए जो तरबियती कैंप हर साल मुनक़द होता है, इस साल भी जो है यहाँ के सदर हज कमेटी, हज तरबियती कमेटी जफ़र साहब और उनकी टीम और ख़ासकर ज़ैनुद्दीन साहब जो के इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनके खिदमात को उनके खिदमात के हम मद्देनज़र उनके खिदमात को सराहते हुए उनको एक तहनीत पेश की गई है जिसके लिए वो उसके लायक थे। अल्लाह उनको इसमें जजाय खैर दे और तमाम शहरान गुलबर्गा की तरफ से मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सिल्वर जुबली 25 साल हज कैंप तरबियती कैंप में ये शुरुआत जो हमारी हुई थी 1996 में, जब हमारे कर्नाटक के हजी यहाँ से बॉम्बे जाके हज को जाना पड़ता था। उसके बाद में जब रोशन बेग हज मिनिस्टर बने, उन्होंने इसको बेंगलोर से शुरुआत की। इस टाइम में हमारे एविएशन मिनिस्टर थे जनाब गुलाम नबी आज़ाद। तब से ये शुरुआत हुई बेंगलोर से करते हुए, हम गुलबर्गा के लिए हमको मौका दिया गया, अली जनाब अकमर इस्लाम साहब ने हमको बहुत उत्साह में साथ दिया, उनके लीडरशिप में गुलबर्गे का हज रहमतुल्लाही बरकातहू। ये 25 साल सिल्वर जुबली हज तरबियती कैंप भाई यादगार मोहम्मद अलहाज मोहम्मद जहनुद्दीन साहब मरहूम, उनके नक्श कदम पे करते हुए आज हम भी कर रहे हैं उन्हीं की तरह। उनके गुजरने के बाद भी उनकी यादों को लेके चल रहे हैं, जिसकी सदारत जनाब सैयद मजहर हुसैन साहब नेशनल पेट्रोलियम, आज से नहीं मैं समझता हूँ 25 साल से वो सदर हैं हमारे और हमेशा ताज तातम जीनत वो सदर रहेंगे। लिहाजा ये जो काम है, अल्लाह ताला हमें इस काम के लिए चुने, ये उसका एहसान अजीम है और आज के ज़माने में ऐसा काम करना हमारे लिए बात से मसरत है। और तमाम हाजियों को हम हमारी तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि ये लोग जो जा रहे हैं हज को, ये इन्हों अपनी मेहनत से या मशक्क़त से नहीं जा रहे बल्कि अल्लाह ताला इन्हें चाहकर बुला रहा है। ये ज़ियाफ़ुर रहमान है, यानी अल्लाह के मेहमान हैं, तो मेहमान बनकर जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ख़ास कर इन हाजियों के हज को, मनासी के हज अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से अता करने की तौफीक अता फरमाएं, फिर उसके साथ साथ हमारे हक में दुआ करने की भी अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकजी हज तरबियती कैंप कमेटी ज़िला गुलबर्गा की जानिब से पिछले 24 सालों से हाजियों की खिदमात की जा रही है, बिलखसूस आज़मीन हज को 2 रोज़ा तरबियत दी जाती है और फिर इंडियन हज ट्रेनिंग फॉर्म के ज़िम्मेदारान बिलखसूस अलहाज सैयद एजाज अहमद साहब जो मास्टर रिसोर्स पर्सन हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ गुलबर्गा तशरीफ़ लाते हैं और गुलबर्गा के ख़वातीन व हज़रात को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनाब अलहाज सैयद एजाज अहमद साहब जो मास्टर रिसोर्स पर्सन हैं और इंडियन हज ट्रेनिंग फॉर्म के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही दौरान गुफ्तगू कि यूं तो हम सारे कर्नाटक में हाजियों के लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन बेंगलुरु से भी ज़्यादा कामयाब ट्रेनिंग हमारी गुलबर्गा की होती है। इसलिए आली जनाब अलहाज सैयद एजाज अहमद साहब चेयरमैन ने गुलबर्गा के तमाम हज तरबियती कैंप कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, जिम्मेदारान, वॉलंटियर्स को भी अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। मैं इस ज़िमन में अलहाज मोहतरम सैयद मजहर हुसैन साहब की खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ कि आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिश, आपकी वजह से और मरहूम व मकफूर अलहाज बेलौस खादिम कौम मोहम्मद जैनुद्दीन साहब शीरने फरोश की जद्दोजहद से गुलबर्गा में ट्रेनिंग का एहतमाम हुआ है। मैं मजहर हुसैन साहब की खिदमत में ये बात कहूँ मगर आप
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस तरह जनाब मजहर हुसैन साहब ने अपने बिरादरान, अपने ख़ानदान के अहबाब के साथ साथ गुलबर्गा के तमाम ख़वातीन व हज़रात वालंटियर्स को आपने इकट्ठा करते हैं और ये ट्रेनिंग कामयाबी के साथ चलाते हैं। मत पर ये शेर कह रहा था मैं असल में, नहीं तेरा नशे मन खसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस तरह मजहर हुसैन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हाजियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि उनका हज कबूल और मकबूल फरमाए। और इसके साथ ही मैं तमाम कमेटी के मेंबर्स को आली जनाब मजहर हुसैन साहब, जफर हुसैन साहब और खासकर एजाज साहब जो हर साल हमारे हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छे अंदाज से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये तमाम लोगों के मकसद में कामयाबी दे और इनको आगे और हर साल ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके हाजियों की खिदमत करने का मौका अता फरमाए और उनके तमाम कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह ताला उसके अजर अता करे। आमीन। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.